दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सभी भारतवासियों का भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल पर। आज सभी भारतवासियों को बता दें, भारत सरकार के माध्यम से सभी को संबोधित करके भारत के सभी राज्यों में लॉकडाउन की तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। अब आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अनाज एवं और अन्य प्रकार की दुकानों पर भी इस वक्त नए नियम लागू किए गए हैं। साथ साथ घर से निकलना, थूकना, छोटे बच्चों, महिलाओं, गर्भवती महिलाओं एवं बुजुर्गों के साथ साथ सभी युवाओं को भारत सरकार के माध्यम से नए निर्देश जारी किए गए हैं कि आप सभी को कुछ नए नियमों का पालन करना है, उसी के अनुसार लॉकडाउन का पालन भी करना है। साथ में आपको सभी को बता दें, भारत सरकार के माध्यम से गैस सब्सिडी वालों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अगर आपने इस बार गैस नहीं भरवाया तो अगले माह की सब्सिडी आपकी बंद कर दी जाएगी और आपके गैस को भी नहीं दिया जाएगा, तो आपके लिए बड़ी खबर निकल कर आ सकती है। साथ में आप सभी भारतवासियों को बता दें कि अगर आपके पास जमीन है, आपके पास धन है, आपके पास आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए से ज्यादा पैसे हैं, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। भारत सरकार आपके ऊपर केस भी कर सकती है, साथ में पुलिस कार्रवाई भी हो सकती है आपके ऊपर, तो आपके लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। साथ में आप सभी को बता दें कि एक राज्य में स्पेशल ट्रेनें चलाई गई जहां पे सभी फंसे हुए मजदूरों को उनके राज्य में पहुंचाने की सारी जिम्मेदारी ली गई है और भारत सरकार के माध्यम से निर्देश निकल कर आया है सभी भारत के जितने भी फंसे हुए दूसरे राज्यों में मजदूर हैं उनको घर पर पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है और जल्द से जल्द उनको उनके घर पर पहुंचा दिया जाएगा। साथ में आप सभी को बता दें, भारत सरकार के माध्यम से कुछ सख्त निर्देश निकल कर आए हैं बैंकों से जुड़े। साथ में आप सभी को बता दें, भारत सरकार के माध्यम से आवागमन पर भी रोक लगाया गया है। साथ में कुछ दुकानों को भी बंद किया गया है जो कि खोली गई थी। आपको इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी, तो आपसे निवेदन है पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। साथ में आप सभी को बता दें, हमारे चैनल के माध्यम से एक छोटी सी प्रतियोगिता आयोजित की जाती है जिसमें फंसे हुए सभी मजदूरों को उनको घर पर पहुंचाने के लिए भी मदद किया जाता है और साथ में आपको यहाँ पे पुरस्कार जीतने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। तो आपसे निवेदन है कि हमारी प्रतियोगिता में भाग लेना ना भूलिएगा और इस वीडियो को देखते रहिए। जहां इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही, भारत सरकार के माध्यम से गाइडलाइन के आधार पर होगा जुलाई में स्कूल खोलने का फैसला। अब आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है बच्चों को, आप सभी बता दें बच्चों के स्कूल खोले जाने के बारे में भारत सरकार की तरफ से फैसला निकल कर आया है कि उन सभी भारतवासियों के सभी बच्चों को जो है जुलाई में एडमिशन और साथ में उनको स्कूल जाने का अवसर प्रदान होगा। अब साथ में यहाँ पे आपको बता दें, भारत सरकार के माध्यम से क्या दिशा निर्देश निकल कर आया है, क्या नियम लगाए जाएंगे ताकि बच्चे स्कूल में जा सके और इस बीमारी से उनको कोई संक्रमण ना पैदा हो सके, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। आप सभी को बता दें, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा है कि भारत में जुलाई से स्कूल खोलने की तैयारी की जा रही है। हालांकि यह आखिरी फैसला नहीं है, इस पर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार और अन्य सरकार भी ले सकती है। आप सभी को बता दें, फिलहाल लॉकडाउन के चलते देश भर के सभी स्कूलों को बंद किया गया है। कई जगह पे 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं भी आयोजित नहीं की गई हैं और आप सभी को बता दें कुछ जगह पर आधी परीक्षाएं बाकी रह गई हैं। आपको बता दें, भारत सरकार के माध्यम से अभी तक इनका रिजल्ट भी नहीं घोषित किया गया है। आप सभी को बता दें, भारत सरकार जल्द से जल्द इन सभी हाई स्कूल एवं इंटर के जितने भी परीक्षार्थी हैं उन सभी के रिजल्ट को घोषित करेगी और उन्हें प्रमोट करके अगली कक्षा में प्रवेश करने का अवसर प्रदान करेगी। साथ में आप सभी को बता दें, जुलाई तक आप सभी के स्कूलों खुलने की बहुत बड़े निर्देश निकल कर आ रहे हैं कि आप सभी के स्कूलों को जुलाई तक खोल दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी को बताया कि हमारे चैनल के माध्यम से छोटी सी प्रतियोगिता चलाई जाती है जिसमें कुछ धनराशि हमारे फंसे हुए मजदूरों को घर लाने में और साथ में आपको पुरस्कृत किया जाता है। तो आज का सवाल है कि लाल किला किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। साथ में आपको चैनल पे कुछ काम करना है तभी आप धनराशि जीत पाओगे। धनराशि जीतने के लिए आपको इस वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उसे दबा लेना है। बगल में घंटे वाला बटन आएगा, उसे दबाकर ऑल कर लेना है। इस वीडियो को लाइक करके सभी मित्रों को शेयर करना है और साथ में कमेंट बॉक्स में अपना नाम व पता भेजना है, या आपको याद रखना है अपना नाम और सही पता आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपकी जीती हुई धनराशि आपके पोस्ट ऑफिस में आपके नाम के अनुसार दे दी जाएगी। यहाँ इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि लॉकडाउन के अंतर्गत भारत सरकार के माध्यम से सभी व्यक्तियों को, सभी भारतवासियों को 3 महीने तक मुफ्त में राशन,
मुफ्त में गैस सब्सिडी प्रदान किया जाता था। आपको बता दें, गैस सब्सिडी देने के लिए भारत सरकार सभी व्यक्तियों के खाते में धनराशि डालती थी ताकि वो जाकर पैसे देकर अपनी गैस भरवा सके। आपको बता दें, गैस एजेंसी के रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे पता लगा है कि जितने भी पैसे भारत सरकार के माध्यम से सभी व्यक्तियों के खाते में भेजे गए हैं उनमें से सबसे कम यानी कि 10% लोगों ने गैस भरवाया है और बाकी सब लोगों ने उन पैसों का उपयोग कहीं और जगह कर लिया है। तो इसकी वजह से भारत सरकार की तरफ से ये फैसला निकल कर आया है कि आपको अगर सब्सिडी के लिए पैसे दिए जा रहे हैं तो आप गैस भरवाएं, अन्यथा आपको अगले माह से सब्सिडी मिलना बंद हो जाएगा। तो ये आपके लिए बड़ी खबर हो सकती है। तो आप सभी को बता दें, उज्ज्वला योजना के सभी ग्राहकों को भारत सरकार के माध्यम से सूचित किया गया है कि अगर आप इस महीने को यानी कि एक महीने की सब्सिडी के अंदर आपने अगर जो धनराशि आपके खाते में भारत सरकार के माध्यम से भेजी गई है उसका गैस नहीं भरवाते हो, गैस एजेंसी में इस महीने आपके कोई भी सूची नहीं तैयार होती है, तो आपका अगले महीने का सब्सिडी काट दिया जाएगा। भारत सरकार के माध्यम से आपके खाते में गैस से जुड़ी कोई भी पैसे नहीं आने वाले हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर हो सकती है। जी हाँ, आइए जानते हैं कि लॉकडाउन 3.0 जानिए देश के कौन से राज्यों में कौन से जिले रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में है। इसके बारे में आपको बता दें कि आपको लिस्ट दिखाई दे रही होगी, इस वक्त 24 ग्रीन जोन है, 19 रेड जोन है। उत्तर प्रदेश की ये स्टोरी है। अब आपको यहाँ पे बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर के 130 जिलों को रेड जोन और 284 को ऑरेंज जोन और 319 को ग्रीन जोन घोषित किया है। इन इलाकों में इस महामारी के मामलों की संख्या मामलों के 2 गुना होने की दर से और जांच की क्षमता और निगरानी एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर इसे श्रेणीबद्ध किया गया है। यानी कि जो आप इस वक्त देख रहे हो रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, इसको स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सभी हर प्रकार से जांच करने के बाद इसको श्रेणीबद्ध रूप से तैयार किया गया है। यानी कि इन जो है जो आपको लिस्ट दिखाई दे रही है जोनों की, इन रेड जोन की, ऑरेंज जोन की, ग्रीन जोन की, ये जो है पूरी तरह से कंफर्म नहीं है क्योंकि इसमें दिन प्रतिदिन नए नए केस सामने आ रहे हैं और इसकी श्रेणी को हटाकर रेड जोन में किया जा रहा है। और जो कि मामले सही हो रहे हैं जहां पर इस संक्रमण का धीरे धीरे विनाश हो रहा है, उस मामलों को, उस जोन को, उस एरिया को ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में रखा जा रहा है। तो इस प्रकार कुछ भारत में आप सभी को 3 प्रकार के जोन दिखाई देने वाले हैं। जहां ज़्यादा संक्रमण है उसे रेड जोन कहते हैं, जहां कम है उसे ऑरेंज जोन कहते हैं, जहां नहीं है उसे ग्रीन जोन कहते हैं। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि आप सभी को बता दें, भारत सरकार के माध्यम से ये लॉकडाउन की तिथि को आगे बढ़ाया गया है। इस पर काफी चर्चाएं होने के बाद सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक साथ बिठाया गया। अब आपको बता दें, भारत सरकार के माध्यम से यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं उन सभी राज्यों को कि फंसे हुए जितने भी हमारे मजदूर भाई बहन हैं उनको उनके घर में यानी उनके राज्य में उन सभी राज्य सरकारों को बुला लेना चाहिए। अब आपको बता दें, जहां इस महामारी का संक्रमण कम है उन सभी के राज्यों ने अनुमति ले ली है कि अब सभी मजदूरों को जो कि दूर राज्यों में अपने फंसे हुए हैं उन्हें अपने राज्यों में बुलाने की व्यवस्था की जा रही। आपको बता दें, भारत सरकार के माध्यम से उनको ई पास मुहैया कराया जा रहा है, साथ में उनके लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही। आपको बता दें कि तमिलनाडु के एक राज्य में, जी आपको बता दें, तमिलनाडु राज्य में आपको एक स्पेशल ट्रेन के बारे में पता चला होगा। जी आपको बता दें कि आप सभी को तमिलनाडु के राज्य में एक ट्रेन चलाया गया था जहां पर फंसे हुए सभी मजदूरों को उनके घर पर पहुंचाया गया। इस तरह भारत सरकार ने भारत के सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया है कि वो अपने फंसे हुए सभी मजदूरों को संक्रमित होने के बाद उनकी जांच करने के बाद, अगर वो संक्रमित हैं तो उनकी जांच करने के बाद उनको उनके राज्य में बुला लिया जाए, साथ में उन्हें रोजगार के साथ साथ उनको उनके परिवार से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, और साथ में उनको एक रोजगार देना पड़ेगा ताकि वो परिवार का अपने पालन कर सके। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि 10 साल से कम उम्र के और 10 साल तक के जितने उम्र के बच्चे हैं उन सभी को भारत सरकार के माध्यम से सख्त निर्देश दिया गया है कि वो अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें,
ताकि उनको इस महामारी से कोई भी समस्या ना उठानी पड़े। साथ में गर्भवती महिलाओं के लिए भारत सरकार के माध्यम से दिशा निर्देश निकाल कर आया है कि वो अपने घर में ही रहें, कहीं भी बाहर निकलने की कोशिश ना करें। आपको बता दें, छत पर भी जाने का आदेश नहीं दिया गया है सरकार के माध्यम से, ताकि इस महामारी से उनको कोई प्रॉब्लम ना हो पाए। तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूल दीजिएगा। और प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो मजदूरों को लाभ मिलेगा, साथ में आपको पुरस्कृत भी किया जाएगा, यानी कि आपको ढेरों पुरस्कार भी यहाँ पे प्राप्त हो सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि प्रतियोगिता में भाग जरूर लीजिएगा। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल करके इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।